राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। अभियान 17 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक सभी विधानसभाओं में चलाया जाएगा। दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक सौरभ भारद्वाज ने इस अभियान को अपने विधानसभा क्षेत्र में चलाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लॉन्च किए गए जनसंपर्क अभियान को आम आदमी पार्टी के नेता जमीनी स्तर पर ले जाते हुए दिखाई दिए। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने अपने विधानसभा क्षेत्र में इस अभियान को चलाया। इस मौके पर सौरभ भारद्वाज ने जनता के बीच अरविंद केजरीवाल के द्वारा जनता को लिखे गए पत्र को भी बांटा। आम आदमी पार्टी के द्वारा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हम जगदम्बा कैंप में मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज जो कि मंत्री हैं, उनकी ये विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुद सौरभ भारद्वाज वो पत्र हाथ में लेकर मौजूद हैं, महिलाओं के बीच में मौजूद हैं जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लिखा गया है। और खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि इस पत्र में उन्होंने लिखा है कि आखिर उन्हें जेल क्यों भेजा गया, बीजेपी की क्या साजिश थी, जो योजनाएं जो सुविधाएं जनता की तरफ से मिल रही हैं वो अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो खत्म हो जाएगी। इस मौके पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल के लिखे गए पत्र में ये बताया गया कि आखिर किस तरह से बीजेपी ने साजिश करके उन्हें जेल भेजा था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगाए गए सभी आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। उन्होंने कहा आज जब वो जनता के बीच इस अभियान को चला रही हैं तो जनता का पूरा समर्थन केजरीवाल के साथ देखने को मिल रहा है। देखिए, महिलाओं को और जनता को सब मालूम है, इस पत्र में जब अरविंद केजरीवाल लिखते हैं कि आपकी दवाइयां बंद की गई, महिलाएं कह रही हैं हाँ, जैसे ही केजरीवाल जेल गए दवाइयों की कमी शुरू हो गई, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर टेस्ट बंद हो गए, सीवर के काम बंद हो गए, जो सीवर की लेबर हुआ करती थी उसको हटा दिया गया, बुजुर्गों को उनकी पेंशन के लिए 4 महीने तक तड़पाया गया। तो ये तो लोगों को मालूम है कि ये हुआ है, तो लोग कह रहे हैं हाँ ये बात ठीक है, मगर अब केजरीवाल जी वापस आ गए, अब धीरे धीरे सब ठीक करेंगे। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी का एकमात्र उद्देश्य है कि वो एलजी की शक्तियों का इस्तेमाल करके दिल्ली सरकार की योजनाओं में रुकावट पैदा कर सके। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल को जब गिरफ्तार किया गया था तब दिल्ली सरकार की योजनाओं पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया था। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आती है तो दिल्ली की जनता को मिलने वाली सुविधाओं को रोक दिया जाएगा। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी है जो हम घर घर बांट रहे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जी को इतने महीने जेल में क्यों रखा गया, क्यों उनकी इंसुलिन बंद की गई, क्यों उनको मारने की कोशिश की गई। और जैसे ही वो जेल में गए, दिल्ली के सभी काम जो जनता के लिए थे वो काम ठप करे गए। अस्पतालों में दवाइयां खत्म की गई, मोहल्ला क्लिनिकों के टेस्ट बंद किए गए, बुजुर्गों की पेंशन 4 महीने तक रोकी गई, सीवर पानी के काम रोके गए, सड़कों के काम रोके गए, क्यों रोके गए। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने जब इस अभियान को लॉन्च किया था, इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली की जनता को उन्होंने इस पत्र के जरिए उन सभी सवालों का जवाब दिया, लेकिन अब विपक्ष उन पर सवाल खड़े करता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार के काम से बीजेपी घबरा गई थी। दिल्ली से प्रणय शर्मा की रिपोर्ट, टोटल टीवी।